स्टार्टिंग की कंटिन्यूटी बोल रही है, उसके साथ में जो कि बॉडी शॉट भी नहीं है, करंट भी नहीं आ रहा है, और रनिंग की जो कि कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है। हम इसके ऊपर हम चेक करते हैं, रनिंग की कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है। इतनी सारी कॉइलें जब हम डालते हैं तो कोई ना कोई तार कई बार मशीन से टूट जाती है, मशीन से जब टूटती है तो हमें पता चल जाता है। तो भाई अगर आप भी करते हैं सीलिंग फैन यानी कि छत के पंखों की वाइंडिंग, और उसकी वाइंडिंग करने के दौरान इसकी कभी कभार एकाध तार टूट जाती है, तो जिसको पता है वो तो ढूंढ लेता है कहाँ पर किस कॉइल के अंदर तार टूटा हुआ है, लेकिन जिसको तरीका नहीं पता है वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर तार टूटा हुआ है तो क्या करेंगे, पूरी स्टार्टिंग की कॉइल ही काट डालेंगे, क्योंकि ना जाने कौन से कॉइल के अंदर तार टूटा हुआ है। रनिंग के अंदर है तो रनिंग की पूरी कॉइल काट देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही करते हैं कि सारी कॉइलें काट देते हैं, तो आज के बाद ये काम आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, सिंपल तरीका, कि जिससे कि आप ये पता लगा पाएंगे कि आखिर कौन सी कॉइल के अंदर तार टूटा हुआ है। और इस तरीके के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको जो कि कॉइल काटना ही पड़ेगा, भाई मिल गया, पता चल गया कि इस कॉइल में तार टूटा हुआ है तो हम इसी को काट दें, ना, बिल्कुल भी काटने की जरूरत नहीं है। 99.9% चांस है कि आपको वो एक ही तार टूटता है तो वो एक तार आपको दिखाई दे देगा, मिल जाएगा। हाँ, 0.1% में ये चांस हो सकता है कि आपको जब अगर मान लीजिए तार अंदर से टूटा हुआ है, कॉइलों के भीतर है, तो वो नहीं मिले तो आप उस कॉइल को, जिस कॉइल के अंदर तार टूटा हुआ उसी कॉइल को आप काटेंगे। तो कौन सा तरीका है दोस्तों, कैसे इसका पता लगाते हैं कि किस कॉइल के अंदर कौन सी तार टूटी हुई है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक तो सबसे लास्ट में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की कमाल की वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैंने इस पंखे की वाइंडिंग किया है, और वाइंडिंग करने के दौरान आप देख सकते हैं कोई भी इसके अंदर ज्वाइंट नहीं आया है, ना ही तो रनिंग में, ना ही तो स्टार्टिंग में, आगे भी नहीं है और पीछे भी नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन इसकी जो कंटिन्यूटी है दोस्तों, स्टार्टिंग की तो बोल रही है सही से, देख सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग की कंटिन्यूटी बोल रही है, और इसके साथ में जो कि बॉडी शॉट भी नहीं है, करंट भी नहीं आ रहा है, और लेकिन रनिंग की कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है। हम इसके ऊपर हम चेक करते हैं, रनिंग की कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर बॉडी अर्थ भी नहीं है किसी भी तार पे लगाने के बाद में। दोस्तों इसकी जो वायर है, एक वायर टूट गई है, कोई भी इतनी सारी कॉइलें जब हम डालते हैं तो कोई ना कोई तार कई बार मशीन से टूट जाती है, मशीन से जब टूटती है तो हमें पता चल जाता है, हम उसको रोक करके मशीन को दोबारा से उसके अंदर हम ज्वाइंट लगा देते हैं, वहाँ पे हमारी स्लीव लग जाती है। लेकिन जब स्लॉट पेपर डालते समय हमसे तार टूट जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको ढूंढना, कि मतलब कहाँ पे टूटा हुआ है कहाँ पे नहीं, क्योंकि वो नज़र नहीं आता है। इसमें एक तार भी टूटा हुआ हो सकता है, दो तार भी टूटे हुए हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तार टूटा होगा दोस्तों। तो इसको हम पता लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्या करेंगे, सीरीज लैंप लेंगे जिस तरह का है, सीरीज लैंप ले करके इसके हम क्या करेंगे, एक वायर को हम यहाँ पे इसके अंदर कंटिन्यूटी को, एक वायर को इसके अंदर हम जोड़ देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, किसी भी सिरे पे, चाहे इस पे चाहे इस पे। और तार को ज्वाइंट करने के बाद में आपके इस कॉइलों की जो एक एक तारों को जो है कि छिल लेना है, सारी तारों को नहीं छिलना है आपको, पहले सबसे पहले कहीं इसके आधे पे जाना है यहाँ तक, ठीक है, आधे पे इसके सामने बिल्कुल चले जाना, सामने वाली कॉइल को मतलब एक तार को छिल लेना है, सारी तारों को नहीं छिलना। बहुत लोग क्या करते हैं, सारी तारों को छिल लेते हैं, जिससे कि कॉइल को शॉर्ट होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो आपको सारी मतलब कॉइल के पूरे को नहीं छिलना है किसी भी तरह से, तो आपको एक तार को छिलना होगा। कैसे, आप किस तरह से देखिए, पेचकस लीजिए, पेचकस लेकर के कोई एक तार आप इस तरह से निकाल लीजिए बाहर, ठीक है, कहीं से भी एक तार इस तरह से बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल के थोड़ा सा हिस्सा आपको इस तरह से इसको छिल लेना है, ऐसे थोड़ा सा हिस्सा आपको छिल लेना है, तो देख सकते हैं इसकी पॉलिश हल्का सा छिलने से ही आपसे निकल जाती है, ठीक है, देखिए हल्के से देख सकते हैं ये चमक रही है, सफ़ेद सफ़ेद चमक रहा है, ये आपका तांबा दिखाई देने लग गया, ठीक है। इसका पॉलिश आपको हटा लेना है, पॉलिश हटाने के बाद में आपका जैसे एक तार यहाँ पे लगा हुआ है, तो सीरीज के इस पॉइंट प्लग को यहाँ पे लगा करके आपको ये देखना है कि क्या यहाँ तक करंट पहुँच रहा है कि नहीं, तार को सटाना होगा इसके ऊपर में जो आपने छिला है अभी, हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक जी कि कोई तार टूटा हुआ नहीं होगा इसके बीच में, तो यहाँ पे लगाने के बाद में कंटिन्यूटी जो कि यानी हमारा बल्ब जो है कि जलने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी बीच में तार टूटा हुआ होगा तो ये हमारा बल्ब नहीं जलेगा, कंटिन्यू यहाँ तक नहीं बताएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे सटाएंगे तो देखते हैं कि हमारे जो ये बल्ब है दोस्तों वो जल रहा है बकायदा, है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधे तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से हम इसका आधा ले लेंगे, जहाँ से ये है यहाँ से हम इसका आधा ले लेंगे, तो हम इस वाले कॉइल के ऊपर जा करके एक बार इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे कॉइल को थोड़ा सा हम इस तरह से किए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक तार को हम छिल लेंगे, और तार छिलने के बाद में इसको इसी तरह से चेक करेंगे कि यहाँ तक हमारी कंटिन्यूटी इसकी आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो आधा ये है और फिर उसके बाद में यहाँ तक आ जाते हैं हम। इस तरह से दोस्तों हमें पता चल जाएगा कहाँ पे तार टूटा हुआ है, हैं, सारी तारों को ना छिल करके इस तरह से आप इसको छिल सकते हैं। तो देखिए हल्का सा करने पर ही छिल जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं तार को, तो यहाँ तक जो है कि हमारी कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक ठीक है, ठीक है।
और उसके बाद में हम दो कॉइल रह गए तो हमारे एक कॉइल छोड़ करके हम यहाँ पे स्क्रैच कर लेंगे इस तार को। पहले आपको वैसे ही देख लेना है कि मतलब कहीं पे आपको अगर तार टूटा हुआ दिखाई दे दे तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे भी हमने छिल लिया इसको और यहाँ पे हम तार लगा के देखते हैं तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पर यहाँ पे नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में ही ये वाली कॉइल है, यहीं पे तार टूटा हुआ हो सकता है, इसके अंदर भी तार टूटा हो सकता है, जो कि अगर ये वाला सिरा तो मान लीजिए हमारा नहीं बोल रहा, ये वाला बोल रहा तो ये भी टूटा हुआ हो सकता है, यहाँ पे भी टूटा हुआ हो सकता है, कहीं भी टूटा हुआ हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो छिल करके तार को ऐसे देख सकते हैं, हैं आपको अंदाज़ा मिल जाएगा थोड़ा कि इस कॉइल में है कि इस कॉइल में, इन तीनों में से कौन से कॉइल में है, ठीक है। एक तार को ऐसे ही फिर से यहाँ से भी हम छिल लेंगे, ठीक है। इस तरह से छिल करके हम यहाँ पे लगाते हैं, देखिए यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही कॉइल ठीक है, इन दो कॉइलों में ही प्रॉब्लम है, बल्कि यहाँ तक तो आ रही है, इसमें नहीं आ रही थी, इसी में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इसी कॉइल की तार जो कि टूटी हुई है, तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तार को, ठीक है, बाद में जुड़ जाएगा ये। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे इसका यू वगैरह निकाल करके, इसको जो यू हमने डाला है इसको निकाल के अगर हम देख लेंगे। तो दोस्तों यही तरीका है कि पहले हमें ये चेक करना होता है, चाहे रनिंग की कॉइल हो चाहे स्टार्टिंग की कॉइल हो, कि करंट कहाँ तक पहुँच रहा है। जो हमारी मेन लीड निकालते हैं, जो तारें हमारी रेड और ब्लू लगी हुई है, इसमें से दोनों तारों में से बारी बारी से लगा कर देखना होता है कॉइलों को स्क्रैच करके कि करंट कहाँ तक पहुँच रहा है। जब हमें पता चल जाए कहाँ तक करंट पहुँच रहा है तो हम उस कॉइल तक हम सर्च करें, उस कॉइल पर जाके जहाँ तक करंट ब्रेक हो रहा है, जहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पर हमें सर्च करना होता है कि कार वायर कहाँ पर टूटा हुआ है। 99% चांस होता है दोस्तों कि ये मिल जाता है, बहुत अगर कॉइलों के तारों के अंदर में टूटा हुआ है किसी वजह से तो वहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह से अगर ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको वायर ज़रूर मिल जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए ये तार टूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको लाइट की वजह से हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, चलिए मैं लाइट बंद कर दिया। और यहाँ पर देखिए ये देखो ये तार टूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये तार टूटा हुआ है और इसका भी दूसरा सिरा भी यहीं पे होगा कहीं। इसको पहले हम, इसको जो टूटा हुआ हमें दिखाई दे रहा है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए आप चिमटी भी रख सकते हैं अपने पास, और देखिए ऐसे निकल जाएगा ये बाहर। देखिए एक तार हमारा मिल गया है, एक वायर मिल गया है और दूसरा भी यहीं पर होगा टूट करके, देखिए दूसरा भी यहीं पे, देखो दूसरा भी यहीं पे है ये, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। आप एक चिमटी रखिए, मेरे पास अभी चिमटी तो है, जो भी यू आपने निकाले हैं उसको आराम से डालना है और उसके बाद में आपको इसकी पॉलिश को हटाने के लिए आप दोनों तारों को क्या करें कि इसको दोनों यू को निकाल करके दोनों तारों को एक तरफ कर लीजिए, चाहे इधर से कर लीजिए चाहे उस तरफ कर लीजिए, इस तरह से इसको निकाल करके उसके बाद कोई सा भी तार कहीं पे भी आ जाए अपना ज्वाइंट कर देना है इन दोनों को। तो यहाँ पे देखिए हमारा तार ये आ गया, देखिए दोनों सिरे मिल गए हैं, अब देख सकते हैं दोनों सिरे मिल गए हैं। और इसके बाद में क्या करना, हमें जो हमने जो यू निकाला था इसका ऊपर से, इसको हम उसी तरीके से लगा देंगे अच्छे से। और इस तरह दोस्तों जब हमारा तार मिल जाता है तो वापस हमने जितने यू निकाले थे उन सबको लगा देना है। उसके बाद माचिस जला करके, ऐसे माचिस से जला लेंगे इसको, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा रेगमार से इसके, ताकि ज्वाइंट हमारा कार्बन आ जाता है जलाने के बाद में, तो कार्बन हट जाए और ये ज्वाइंट हमारा बढ़िया से हो जाए। और अच्छे से इसको ज्वाइंट लगा देना है और उसके ऊपर सिलू चढ़ा देना है एक नंबर का, ठीक है। फालतू तार को काट दीजिए और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि रनिंग की कंटिन्यूटी ठीक हुई या नहीं। इसको हम लगा लेंगे, देख सकते हैं पहले कंटिन्यूटी नहीं बोल रही थी, अब ये बोलने लग गई, इस पर भी बोलने लग गई और यहाँ पे भी बोलने लग गई, ठीक है। तो यानी कि अब ये कम्प्लीटली ठीक हो गया है, इसका कनेक्शन हम कर सकते हैं, स्टार्टिंग भी बोल रहा है और रनिंग भी ये बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी आपके पंखे की कोई भी तार इस तरह से अगर टूट जाती है, चाहे स्टार्टिंग के अंदर, चाहे रनिंग की तार टूट जाए, चाहे स्टार्टिंग की तार टूट जाए, तो उसको आप इसी तरीके का इस्तेमाल करके उसको ढूंढ सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर आपके पंखे की कौन सी कॉइल में प्रॉब्लम है, कहाँ पे तार टूटी हुई है, वहीं पे आप उसको ढूंढिए, वहीं पे आपको मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर सर्च किया वैसे आप किसी भी पंखे की कॉइल की तार अगर टूट जाए तो उसको आप ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं।
तो आगे से कभी आपके पंखों की तार वाइंडिंग करने के दौरान टूट जाए तो इस तरह से उसको ढूंढ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, पूरी की पूरी रनिंग या स्टार्टिंग की कॉइल काटिएगा मत, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो एक कॉइल काट सकते हैं ना मिले तो, लेकिन ये तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ पर है फॉल्ट, है एक या दो कॉइल काटने से मिल जाए तो अच्छी बात है। चलो मिलते हैं आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।